बुरहानपुर के खेरखेड़ा में ग्रामीणों ने शासकीय स्कूल की रिपेयरिंग में लोहे सरिये को अवैध रूप से बेचते हुए इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। स्कूल की दुर्दशा सुधारने के लिए शासन रिपेयरिंग के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, साथ ही भवन निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं और फर्जी तरीके से उनके बिल निकाल लिए जाते हैं और उसे वैध तरीके से बेचा जा रहा है। गौरतलब है जिसको लेकर विभाग के पास जो है 3,28,000 के करीब धनराशि आई थी, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए सर्व शिक्षा अभियान के इंजीनियर तिवारी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कार्य ग्राम पंचायत एजेंसी को दिया है। नहीं, ये तो सही नहीं लेके जा रहे हैं और इस बारे में हमको कुछ पता भी नहीं है। मेरे को यहाँ गांव से फोन आया, मैं तो निम्बापुर रहता हूँ, यहाँ से फोन आया कि यहाँ से लोहा भरे जा रहा है। वैसे ही मैंने सचिव को फोन किया तो सचिव बोलता है कि वो राहुल को मालूम है, और राहुल बोलता है कि मेरे को इंजीनियर ने बोला। नहीं, इसकी कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, पंचायत को तो आइडिया भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि सचिव को भी आइडिया है या नहीं है, ये बताया नहीं उन्होंने। मेरे द्वारा निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत खेरखेड़ा के माध्यम से ही उसको बोला गया था कि जो भी ये स्क्रैप मटेरियल निकलेगा उसकी राशि एसएमसी के खाते में जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया। वो स्क्रैप मटेरियल के क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो उचित नहीं समझा। बाकी नियमानुसार उसकी मुनादी करा के कराना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर।